हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का विवेक मिश्रा स्टडी चैनल पर। मैं प्रिया मिश्रा आप लोगों से जुड़ चुकी हूँ। आज हमने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी अभी मैंने पढ़ाया, उसके बाद फिर हमारा आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उसका हम देखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं दे हैड गॉन टू स्कूल, ये पहले से ही इसका होता है, पहले से क्रिया का ये थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो दे हैड गॉन टू स्कूल, वे जो है स्कूल जा चुके थे। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, स्कूल, पहले हम जब पैसिव वॉइस करेंगे, स्कूल हैड बीन किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों स्कूल हैड बीन, बीन देखो बीन ही करना, ये खाने वाला सोयाबीन मत समझ लेना बच्चों। तो स्कूल हैड बीन हो जाएगा, दे हैड गॉन टू स्कूल, तो स्कूल हैड बीन, क्रिया का थर्ड फॉर्म पहले से ही गॉन है, गॉन किसके द्वारा, बाई देम के द्वारा, दे का हमारा क्या होता है, देम होता है। स्कूल हैड बीन गॉन बाई देम, यानी कि स्कूल उनके द्वारा जाया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल में दोस्तों, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके बाद हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का ही निगेटिव सेंटेंस हम आप लोगों को लेकर आ रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस जैसे हम मान लेते हैं ही, इसमें कोई क्लियरिटी नहीं करनी है आप लोगों के, एक नफा ही हो गया है, प्रॉफिट हो गया है कि सिर्फ हैड यूज करना है। अगर चेंजिंग होगी तो हैड बीन में यूज कर लेंगे, ना कि ये सब हमारे करेंगे कि इसमें देखना है किसमें चेंज करना है। प्रेजेंट में होता था हैज और हैव देखा जाता था, सिंगुलर और प्लूरल ध्यान दिया जाता था, लेकिन इसमें सिर्फ हैड यूज होगा, चाहे ये सिंगुलर रहता है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल रहेगा। तो हम देखेंगे ही हैड नॉट प्लेइंग टू, सॉरी प्लेड टू क्रिकेट, क्रिकेट ही पढ़ते हो दोस्तों, जैसे और एक नामों से जाना जाता है सी आर आई काटे, यानी कि सी आर आके काट के चला गया। तो ही हैड नॉट प्लेड टू क्रिकेट, इसका जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट हैड, हैड बीन में चेंज होता है, निगेटिव हमारा रूल क्या कहता है, बीच में निगेटिव भी आ जाता है बेचारा। क्रिकेट हैड नॉट बीन, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड किसके द्वारा, बाई हिम के द्वारा, ये क्या हो जाएगा, हिम। अगर यहीं पे क्या होता, अगर यहीं पे सी होता तो हम क्या कर देते, हर यूज कर देते, क्योंकि सी का क्या होता है, सी हैड नॉट प्लेड टू क्रिकेट। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या चेंज होगा, सी का ऑब्जेक्ट हमारा होता है हर, यानी कि अपने के लिए यूज होता है। फटाफट दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बताएंगे आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैड सी, अब ये हो गया इंट्रोगेटिव में, हैड सी प्लेड टू क्रिकेट, यानी कि क्या हुआ, क्रिकेट खेल चुकी थी, ये हमारा हुआ क्रिकेट, सी आर आई काटी, सी आर आई के कट के चला गया बेचारा। हैड सी प्लेड टू क्रिकेट, तो हम इसको कैसे कर लेंगे, सबसे पहले हैड होगा, उसके बाद क्या करेंगे, हैड बीन, बीन हमारा क्या होता है, हैड बीन होगा, तो इसे हैड क्रिकेट। तो दोस्तों ये हो जाएगा हैड क्रिकेट बीन, क्या हो जाएगा, बीन हैड, यानी कि क्या हो गया, पहले से इंट्रोगेटिव है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ क्रिकेट, सहायक क्रिया हैड बीन में चेंज हो रही थी, हैड बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेड, क्रिया का थर्ड फॉर्म, हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाई सी का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, क्या होता है दोस्तों, हर होता है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, आप लोग पंक्चुएशन पर बहुत ही अटेंशन कीजिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लेके आएंगे आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़ाएंगे, पंक्चुएशन पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और
नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हमारा तो हो गया इंट्रोगेटिव। अब चौथा स्टेप हम क्या लेके आएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, उसे देखिए। ये होगा हमारा हैड सी नॉट प्लेड टू क्रिकेट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। तो इसे हम जब पैसे हुआ इसमें करने लगेंगे तो हो जाएगा हैड, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैड बीन में चेंज होता है तो हैड क्या हो जाएगा, क्रिकेट, हैड क्रिकेट नॉट, उसके बाद निगेटिव हो जाएगा। पहले हमारा हेड होगा, उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट यूज हो गया, फिर निगेटिव नॉट होगा, नॉट यूज हो गया, बचा क्या है, हेड बीन, यानी कि परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया जा रहा है दोस्तों, तो बीन बचा हुआ है, बीन हो गया। तो हेड क्रिकेट नॉट बीन, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लेड है, पहले से ही ऑलरेडी क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होता है इसमें, क्योंकि परफेक्ट में चुका था, यानी कि हो चुका था, वो काम हो गया है, तो उसमें हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म। तो प्लेड किसके द्वारा, बाई हर, यानी किसी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो हैड क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाई हर। तो दोस्तों हमारा आज पास्ट खत्म हुआ टेंस, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, जो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है टेंस वो किसमें चेंज होता है, वो हमारा चेंज होता है, इसे फटाफट दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए। तो एक मिनट हम इसे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है दोबारा ओपन कीजिए, फिर से देखिए, अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट डालिए कि मैम ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आगे से हम और एक्सप्लेन आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चेंज इनटू, ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है चेंज इनटू किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो किस में चेंज होता है, वो नो चेंज, वो हमारा किस में हुआ, नो चेंज, यानी कि वो चेंज नहीं होता है, इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को बता चुके हैं कि हैड बीन होता है और इसका हेड होता है, तो ये हेड को हेड बीन में चेंज कर दिया गया, और जो हेड बीन होगा हमारा वो नो चेंज, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रूल ही है कि ये टेंस हमारा नहीं चेंज होगा। तो आज हमारा प्रेजेंट और पास्ट टेंस खत्म हुआ, तो इसके बाद हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्यूचर के बारे में। तो दोस्तों फटाफट नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, जो भविष्य काल होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, प्रीवियस वीडियो में आप लोग टेंसेस पढ़ चुके हैं, तो ये हमारा रहेगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में फ्यूचर टेंस होगा, उसके बाद फिर आप लोगों को डायरेक्ट में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जड़ ही हमारे रूट ही होता है क्या, टेंस होता है, टेंस में ही बहुत से माइनर आते हैं, बहुत सारे स्टेप आते हैं, बहुत सारे टिप्स आते हैं, तो ये सब अगर हमें आपको टेंस ही जब नहीं पता होगा तो हम आप ना तो सेंटेंस जान पाएंगे, ना एक्टिव पैसिव पढ़ पाएंगे, और ना ही हम डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ पाएंगे। तो हमारा मेन क्या होता है टॉपिक, टेंस होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर टेंस, यानी कि अभी तो हमारा इन पास्ट टेंस में था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ही हम पढ़ाएंगे, इन पास्ट टेंस प्रेजेंट हुआ, उसके बाद इन पास्ट हुआ, फिर हम पढ़ाएंगे इन फ्यूचर टेंस। इन फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस में, अब फ्यूचर टेंस में हम आप लोगों के कि जानते ही हैं, डिफिनीशन होता है जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है, इसमें गाना होना, बहुत सारे गाते हैं, तो आने वाले यानी कि भविष्य काल को ही हम क्या कहते हैं, हमारा फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो इसका सहायक क्रिया क्या होता है दोस्तों, बिल होता है और
सेल होता है। आई और वी के साथ हम सेल यूज करते हैं और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई सेल प्ले फुटबॉल। तो आई सेल प्ले फुटबॉल यानी कि मैं फुटबॉल खेलूंगा। वो क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस है, बहुत ही ज्यादा जोर जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं मैं खेलूंगा ही। और एक टिप्स होता है दोस्तों, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लीजिए कि आई और वी के साथ हमारा क्या यूज होता है, सेल यूज होता है। क्या यूज होता है, सेल यूज होता है, जबकि बाकी रिमेन सब्जेक्ट्स यानी कि बाकी सब्जेक्ट्स विथ यूजेस क्या यूज करते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये भी विल क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। तो आई और वी के साथ हम सेल का हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद रिमेन सब्जेक्ट्स विद यूजेस यानी कि दोस्तों जो बचे हुए जो सब्जेक्ट होंगे जैसे ही हुआ, दे हुआ और बाकी सारे सब्जेक्ट होते हैं तो उसके साथ हम विल यूज करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर बात कही जाती है कि अगर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा जैसे कह रहे हैं कि नहीं ये मैं काम अवश्य करूंगा, ये मेरे द्वारा अवश्य किया जाएगा, जैसे कि मैं ये फुटबॉल जरूर खेलूंगा, आई सेल प्ले फुटबॉल, आई सेल प्ले फुटबॉल यानी कि मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो वो निश्चित रूप से कह रहा है, सिंसियरली कह रहा है। जैसे बच्चे नहीं होते हैं, ज्यादा जिद करेंगे, नहीं पापा नहीं मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ज्यादा जिद करते हैं, तो वैसे ही कह रहा है आई सेल प्ले फुटबॉल, मैं जो है मैं फुटबॉल जरूर खेलूंगा, बहुत ही ज्यादा उत्साहित होकर के, नहीं मैं खेलूंगा ही खेलूंगा। तो आई के साथ तब भी सेल चाहे जो होता है, अगर आई आए आई और वी, अभी हम आप लोगों को बताएं कि आई और वी अगर आता है तो हम क्या यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं। अगर जबकि यहीं पे अगर ही भी आ जाता है तो कोई भी चीज दबाव देकर दी कहा जा रहा है ना, बहुत ही ज्यादा दबाव देकर जोर देकर कहा जा रहा है, तो आई और वी भी अगर उस पे नहीं आता है, सब्जेक्ट में अगर आई और वी भी नहीं आता है तब भी हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ सेल यूज करते हैं। क्योंकि नोट में आप लोग फटाफट लिख लीजिए, नोट डालिए, उसमें लिखिए कि हम आई के और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, जबकि हुआ दोस्तों आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं जबकि अन्य कर्ताओं के साथ या फिर अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टिप्स डालिए, नोट में आप लोग लिखिए कि जबकि अगर कहीं पर वाक्य में जोर देकर बोला जा रहा है, अगर वाक्य में जोर देकर बोला जा रहा है तो वहां पे चाहे आई और वी आए या फिर ना आए, लेकिन वहां पर भी हम सेल का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, सेल का प्रयोग किया जाता है। अभी हम आप लोगों को बताएंगे, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। तो आई सेल प्ले फुटबॉल, मैं यह फुटबॉल खेलूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, फुटबॉल फुटबॉल, ये हमारा फुटबॉल है। अभी आप लोगों को बताएं कि फुटबॉल है तो उसके साथ विल यूज होगा, फुटबॉल विल बी में, यानी कि हम बताए हैं कि फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर जो इनडिफिनिट टेंस होगा फ्यूचर टेंस में इनडिफिनिट है, क्या है ये हमारा, इनडिफिनिट है फ्यूचर टेंस में इनडिफिनिट। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आई सेल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा, तो फुटबॉल विल बी ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कंटीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो फुटबॉल विल बी प्लेड, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्ले है, उसमें ईडी जोड़ दीजिए, प्लेड हुआ, फुटबॉल विल बी प्लेड बाई किसके द्वारा खेला जा रहा है, आई का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट मी। तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाई मी यानी कि फुटबॉल जो है मेरे द्वारा खेला जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या,
कॉन्टिन्यूअस में। यही अगर यही पे आ जाता है कि कुछ भी लगा देते हैं, दे के साथ भी हम क्या लगा देंगे, विल, दे विल प्ले फुटबॉल, तब भी हम क्या कर देंगे, फुटबॉल विल बी प्लेड बाई दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये तो हुआ हमारा दोस्तों फ्यूचर टेंस में, वो भी इंडिफिनिट हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। अभी हम आप लोगों को बताए हैं, क्या बताए कि आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ बिल का यूज करते हैं। लेकिन अगर तब भी कोई अन्य कर्ता अगर ही मान लीजिए आ जाता है, उसके साथ अगर सेल का प्रयोग होगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं अभी तो मैं बताई कि आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन नहीं, अगर ही भी आ रहा है उसके साथ सेल का प्रयोग कब करते हैं, जहां पे वाक्य ऊपर दबाव देकर बोला जाता है। तो दोस्तों देखिए फटाफट देख लीजिए, ही सेल डू दिस वर्क क्या हो जाएगा, ही सेल डू दिस वर्क, यानी कि वह इस कार्य को अवश्य करेगा। अब बता रहा है, अब तो ही आ गया, ही के साथ हम बिल लगा देते हैं, नहीं ही के साथ सेल यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि इस बात पे दबाव देकर बोला जा रहा है, सेंटेंस पे दबाव देकर बोला जा रहा है, स्टेटमेंट पर दबाव देकर बोला जा रहा है दोस्तों कि ही शैल डू दिस वर्क, वह इस कार्य को अवश्य करेगा। जैसे हम आप प्रण नहीं ले लेते हैं कि नहीं हम इस काम को करके ही छोड़ेंगे, करके ही दम लेंगे, तो उस कार्य को जरूर पूरा कर लेते हैं। तो हो जाएगा ही शैल डू दिस वर्क, तो इसका क्या हो जाएगा, दिस वर्क है इसके साथ हमारा, यानी कि दूसरा वर्ड यूज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल, दिस वर्ड विल बी, डू का क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, डन बाय हिम, क्या होगा दोस्तों, दिस वर्क या वर्क किया जाएगा, विल बी डन बाय हिम, या वर्क जो है किसके द्वारा किया जाएगा, उसके द्वारा किया जाएगा। तो ही के साथ देखिए इसमें नहीं यूज होना है कि इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सेल ही यूज करेंगे, नहीं, दिस वर्क के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। सिर्फ हम क्या बताएं आप लोगों को, वनली टू वनली एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को। ये तो हमारा पैसिव वॉइस हम बता रहे हैं आप लोगों को, पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को उठा के ले आते हैं, हम क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं दोस्तों। तो ये ही शैल डू दिस वर्क, यह हमारा क्या है, ही शैल डू दिस वर्क, तो ही के साथ हम क्या यूज कर दिए हैं, शैल, क्योंकि ये स्टेटमेंट पर जो ही है ये क्या कर रहा है, अपना दबाव डाल रहा है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अभी हम पढ़ाएंगे निगेटिव में, यही टेंस हमारा क्या पढ़ाया जाएगा, निगेटिव में। I shall not read a book. I shall not read a book. तो इसका क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, a book ले लिए, a book, उसके बाद क्या यूज करेंगे, क्या है, सेल है, और यहाँ पे आई के साथ सेल यूज हुआ है, लेकिन ए बुक है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, बिल, ए बुक, बिल, उसके बाद निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, नॉट, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों को हम दोस्तों बता दिए हैं कि हमारा रूल क्या है। अगर हम आप लोग रूल पर नहीं चलेंगे तो बिल्कुल भी अपने एम को नहीं प्राप्त करेंगे। अगर हमें रूल पर चलना है तो हम सही रूल पर चलें, अगर एम प्राप्त करना है तो सही रूल पर चलें। वही चीजें टीचर पढ़ाता है बच्चों को, कोई बच्चा होता है बदमाशी करने लगता है, किसी को कुछ पकड़ लेता है कि नहीं, किसी को, जैसे बच्चे परेशान नहीं करने लगते हैं दूसरों को, किसी कुछ करेंगे, किसी कुछ, मतलब बदमाशी, बहुत सारी टाइप्स के बदमाशी होते हैं, बदमाशी करने लगते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। लेकिन जो दोस्तों जो बच्चे ध्यान में अगर वही बातें सुन रहे होते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं। कहा जाता है टीचर वही पढ़ा रहा है, लेकिन वो बच्चा कैसे आगे निकल गया और वो बच्चा कैसे पीछे रह गया, तो यही मेन टॉपिक होता है, मेन टिप्स यही होता है कि बच्चा ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है। तो आप लोग एकदम मेडिटेट रहिए, एकदम क्या रहिए, एकाग्रचित रहिए। अगर कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, तो तुरंत नोट कर लिए और
हम जो भी वीडियो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आप लोग ऐसे पंडित जी की कथा की तरह मत सुनिए कि प्रसाद लेकर के वीडियो समाप्त हो गया उसके बाद चले जाएं, बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों को दोस्तों आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो आप लोग प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के अपने साथ जरूर बैठिए, जिससे कि जो कुछ भी बताया जा रहा है आप लोग देखिए, पढ़िए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को पुश करके उसे नोट डाउन कर लीजिए। तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम अपने दोस्तों के साथ। जो प्लीज कोचिंग जो दोस्त अटेंड नहीं कर पाते हैं, आपके कोई परेशानी है या फिर गरीब है, कुछ भी है, तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो दोस्तों एक बुक बिल नॉट क्या हो जाएगा, उसके बाद बिल का यूज होता है बिल बी, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में यूज हो रहा है। तो ध्यान दे करके कुल इतना जो अभी 2 मिनट हम आप लोगों को बताए, सिर्फ कहने का एक बात है, छोटी सी बात है, ध्यान, यानी कि अटेंशन अगर आप लोग किए रहेंगे तो कुछ भी अगर हम यहाँ पे बता रहे हैं तो आप लोगों को तुरंत माइंड में फीड हो जाएगा। अगर नहीं तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं, 4 घंटे पोथी ही लेके बैठे रहेंगे हम आप, तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। अगर वही चीजें हम 10 मिनट ही पढ़ रहे हैं, अगर आराम से पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो जो कुछ पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। उस 4 घंटे वाले की अपेक्षा 10 मिनट पढ़ने वाला, अच्छे से पढ़ने वाला कहीं आगे जाके निकलता है, अपने एम को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो अपने एम की तरफ सीधे बढ़ रहा है। और हम आप हैं बस नहीं, बुक खोल के रखे हैं, अगर कोई बच्चा होता है बुक बस खोल के रखे हैं, हाँ, और देख रहा है पढ़ाई हो रही है, तो ऐसे भी बिल्कुल आप लोग बढ़ने वाले आगे नहीं है। तो दोस्तों ए बुक विल नॉट बी क्रिया का थर्ड फॉर्म पहले से ही रीड है, लेकिन हम इसे लिखेंगे वही, स्पेलिंग हमारी वही रहेगी, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, प्रोनंसिएशन हमारा, उच्चारण क्या होगा, रेड होगा। तो ए बुक विल नॉट बी रेड बाई आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्ट मी। तो ए बुक विल नॉट रेड बाई मी, एक किताब है जो मेरे द्वारा नहीं पढ़ी जा रही होगी, इस क्योंकि पढ़ी जा रही होगी, रहा होगा, रही होगी, ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग दोस्तों, हुआ। चलिए अब हम बता दे रहे हैं एक टेंस आप लोगों को, किसमें निगेटिव हो गया, सिंपल हो गया, अब हम आप लोगों को बता देंगे इंट्रोगेटिव में, तो हो जाएगा सेल आई, सेल आई प्ले फुटबॉल, सेल आई प्ले फुटबॉल, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, किसमें चेंज करेंगे आप लोग बताइए, अभी बताया ना कि सेल आई प्ले फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे यूज फुटबॉल, बेचारा देखो कितना रो रहा होगा, एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के ले आते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना ले रहे हैं, तो फुटबॉल हो गया, उसके बाद ये आई ऐसे लिख देते हैं, फुटबॉल बिल, ये हमारा सेल आगे है लेकिन हम क्या यूज कर देंगे इसको, फुटबॉल बिल बी, किस में चेंज होगा, बिल बी में चेंज होगा, बिल बी प्लेड यानी कि खेला जा रहा होगा, तो फुटबॉल, फुटबॉल हुआ हमारा, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हमारा बिल भी हो गया, प्लेड क्रिया थर्ड फॉर्म हो गया, किसके द्वारा, बाई आई क्या हो जाएगा, मी, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क आप लोग लगाएंगे, पंक्चुएशन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हो, पंक्चुएशन ध्यान नहीं दे रहे हो, पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हमारा सब कुछ सही लिखे रहेंगे हम आप, लेकिन हमारा वो जो सेंटेंस होगा, जो मैनर होगा, वो सब सारा क्या होगा, गलत होगा। तो दोस्तों हुआ सेल आई प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल विल बी प्लेड बाई मी, ये हो गया। अब अगर यहीं पे निगेटिव बनाना हुआ दोस्तों, तो हम निगेटिव भी बना सकते हैं कि सेल आई नॉट प्ले फुटबॉल, सेल आई नॉट प्ले फुटबॉल, तो इसका हम क्या कर देंगे, फुटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया दोस्तों। अगर कुछ भी कह रहे हैं कि सेल आई नॉट प्ले फुटबॉल,
सॉरी दोस्तों, एक गलत हो गया। अभी देखिए कि हम आप लोगों को क्या बताए कि इंट्रोगेटिव में सेल आई क्या बताए थे, प्ले फुटबॉल। हम आप लोगों को बताया सेल आई प्ले फुटबॉल, उसमें बता दिए थे पहले फुटबॉल यूज होगा तो वो गलत है। सॉरी दोस्तों, ये क्या होगा हमारा, पहले यूज हो जाएगा क्योंकि फुटबॉल के साथ हम बिल यूज करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है, सेल आगे आया है इसीलिए हम पहले बिल यूज कर लेंगे। बिल यूज हुआ फिर सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, फुटबॉल। हम क्योंकि सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का रहेगा ऑब्जेक्ट, उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे तो उसी के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा बिल फुटबॉल, उसके बाद बी, इसे किसमें कन्वर्ट करते हैं, कंटिन्यूअस में कर रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो सेल है या फिर बिल है उसको बिल है, बिल भी और सेल भी में चेंज हो जाएगा। तो बिल फुटबॉल बी, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लेड किसके द्वारा, आई यानी कि बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, मी। अब सही है दोस्तों, सॉरी। तो बिल फुटबॉल बी प्लेड बाई मी, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब इसी में हम आप लोगों को बस थोड़ा सा चेंजिंग होगी, अगर आ जाएगा सेल आई नॉट क्या हो जाएगा, सेल आई नॉट, सेल आई नॉट ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है। फर्स्ट वाला तो हुआ सिंपल, सेकंड होगा हमारा निगेटिव, थर्ड होगा इंट्रोगेटिव, उसके बाद फोर्थ जो होगा सेकंड और थर्ड को मिला करके हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप हो जाएगा, क्या होगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हो जाएगा सेल आई नॉट प्लेड फुटबॉल, तो ये हो जाएगा बिल फुटबॉल नॉट बी, क्या हो जाएगा, फुटबॉल बीच में योग क्योंकि रूल है, नॉट बी प्लेड बाई मी। बस बात खत्म दोस्तों। तो बस आज यहीं तक दोस्तों, इसके बाद हमारा क्या आएगा, कंटिन्यूअस तो चेंज होने वाला नहीं, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि ये हमारा हो गया किसमें, फ्यूचर इनडिफिनिट, जो फ्यूचर इनडिफिनिट है किसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट बाई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस जो है कन्वर्ट किसमें होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है, और जो कंटिन्यूअस होगा किसमें कन्वर्ट होगा, ये हमारा नो चेंज, नो चेंज, सॉरी। और जो है हमारा दोस्तों, और सब जो होता था क्या होता था, प्रेजेंट में होता था, पास्ट में होता था, वो सब किसमें हो जाता था, बीइंग में चेंजिंग कर दिया जाता था, लेकिन जो फ्यूचर में हमारा होगा वो हमारा क्या होगा, नो चेंज होगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। और जो परफेक्ट होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा, और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो बिल्कुल भी नो चेंज, एक पैसे की नहीं, 1% भी नहीं चेंजेस होंगे उसमें। कि आप लोग ध्यान देंगे कि हमने क्या बताया आप लोगों को, सिर्फ मेन टॉपिक यही है कि आप लोग बस रूल याद करिए, सेंटेंस पर बिल्कुल भी मत भागिए। सेंटेंस तो हम आप कुछ भी बना के रख सकते हैं, कोई भी टीचर होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, या कहीं और एरिया में जाएंगे, सभी अलग अलग सबके माइंड होते हैं, अलग अलग सबके दिमाग होते हैं, कोई भी होता है, कोई भी पर्सन होगा, किसी भी तरह का वो सेंटेंस आप लोगों से पुटअप कर सकता है। तो हम यही आप लोगों को दोस्तों एडवाइस करेंगे, सलाह देंगे कि आप लोग ये हमारे स्टेटमेंट पर मत भागिए, किस किसको याद करिए, सिर्फ रूल, रूल अगर आप लोगों को याद रहेगा तो चाहे जैसा सेंटेंस आएगा, चाहे जैसा टिप्स आएगा, आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट वीडियो में ही, यानी प्रीवियस वीडियो में ही, हम आप लोगों को पहले पहले जब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ही हम आप लोगों को बता दिए थे, उसमें हम क्या बताए थे कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा, किसका क्या सब्जेक्ट होगा, क्या उसका ऑब्जेक्ट होगा, क्या नहीं होगा, सब कुछ दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। तो आज अभी तक बस यहीं।